देखा जाए तो अभी भी गदर ने पूरी तरीके से माहौल गर्म ही रखा है, लेकिन इसी बीच फैंस एक बड़ी मूवी के ट्रेलर का इंतजार कर रहे थे और अब फाइनली ऐसा लग रहा था कि शायद ट्रेलर नहीं आएगा, सीधी मूवी आएगी। लेकिन कुछ होप ऐसी थी जिस होप को एसआरके ने जिंदा रखा और फाइनली जवान का ट्रेलर आज रिलीज हो गया। अगर मैं बात करूं ट्रेलर की तो भाई ट्रेलर बहुत ही ज्यादा धांसू है, और पर्सनली अगर मैं ट्रेलर की बात करूं तो भाई ट्रेलर बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही मासी है, इंपैक्ट लेवल का एक्शन है उसमें, और जिस तरीके से अब ट्रेलर निखर के और उभर के आ रहा है मूवी पूरी तरीके से क्लियर होती हुई दिखती है। अगर मोटा मोटी कहानी की बात करें तो हाँ शाहरुख खान का डबल रोल होने वाला है, वो किस अंदाज में होने वाला है ये भी पूरी तरीके से ट्रेलर हमें बताने की कोशिश करता है। जैसे कि एसआरके का बाप और बेटे का कैरेक्टर होने वाला है जिसे दोनों को प्ले करेंगे हमारे एसआरके, जो कि भाई बाप लेवल का जो एक्शन है मुझे बाप के कैरेक्टर में ज्यादा दिखा, जिस तरीके से वो बैडास दिखाया गया है, जिस तरीके से उसका एक्शन दिखाया गया है ट्रेलर में, जो भी छोटे छोटे मासी लेवल की क्लिप हमें दिखाया गया है, जो भी एक्शन दिखाया गया है वो ज्यादातर हमें बाप के रोल को ही दिखाया गया है। और जितने भी इस मूवी में एक्सपेरिमेंट किए गए हैं या फिर जितने भी डिफरेंट रोल हमें दिखाने की कोशिश किए गए, चाहे फिर वो शाहरुख खान का बिना बाल वाला लुक हो या फिर वो पट्टियों वाला लुक हो, वो सभी रोल बाप के होने वाले हैं। जैसे कि हमें ट्रेलर में जो भी बाप लेवल एक्शन दिखाया गया है या फिर जो भी बैडनेस दिखाई गई है वो पूरी तरीके से बाप के रोल की ही दिखाई गई है। अगर मैं बेटे के रोल की बात करूं तो उसे इतना ज्यादा डिफाइन नहीं किया गया है, हाँ थोड़ा बहुत उसका नयनतारा के साथ में लव एंगल दिखाया गया है, लेकिन जितना भी बैडनेस है या फिर जितनी भी एक्शन मूवी में दिखाई जाएगी वो पर्सनली बाप लेवल की एक्शन होने वाली है और बाप के रोल के लिए ज्यादा होने वाली है। अगर आप ट्रेलर को ध्यान से देखेंगे तो जो VFX का काम है वो रेड चिली का बहुत ज्यादा उभर के आता है, निखर के आता है, मतलब जिस तरीके से मारामारी हो रही थी VFX की पिछले कुछ मूवीज के बारे में, अब भाई वो पूरी तरीके से कमियां दूर होने वाली है। फैन फिर से खुश होने वाले हैं क्योंकि इस बार रेड चिली का जो VFX है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया और बहुत ही ज्यादा मासी लेवल दिख रहा है। अगर बात करें विजय सेतुपति की तो उनकी भी एक पूरी जर्नी दिखाई जाएगी, जो कि दोनों शाहरुख खान के साथ में एक्शन लेने की कोशिश करेगा, दोनों शाहरुख खान को टक्कर देने की कोशिश करेगा, इसी वजह से वो जो एक्शन है वो बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल होने वाला है क्योंकि विलन हमें एंड तक दिखाया जाएगा। अगर बात करें दीपिका की तो शायद शाहरुख खान की जो माँ होने वाली है वो दीपिका ही होने वाली है, क्योंकि जो बाप वाला शाहरुख खान है उसके साथ में दीपिका का लव एंगल दिखाया जा रहा है, और अभी भी ट्रेलर में बहुत सी चीजें छुपाई गई है। जो शाहरुख खान की टीम में पूरी लड़कियां होने वाली है, ज्यादातर एक्शन इन लड़कियों के थ्रू ही मूवी में होने वाला है, शाहरुख खान के साथ में ये पूरी लड़कियां हमें एक्शन करते हुए दिखने वाली है, पूरी तरीके से एक मिशन करते हुए दिखने वाली है, तो उनको पूरी तरीके से हाइड किया गया है, मे बी मूवी के लिए उन्हें बचा के रखा होगा। लेकिन जितना भी शाहरुख खान के रोल दिखाए गए हैं मुझे पर्सनली देख के बहुत ज्यादा मजा आया। विजय सेतुपति के बहुत कम शॉट दिखाए गए हैं, उन्हें मूवी के लिए बचाया गया है, लेकिन याद रखना कि मूवी में बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल रोल होगा विजय सेतुपति का और वो बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट छोड़ के जाएगा मूवी में। ओवरऑल ट्रेलर देख के मुझे बहुत ज्यादा मजा आया, इस मूवी के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। क्या आप भी एक्साइटेड है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपका शाहरुख खान का कौन सा वाला रोल फेवरेट है मुझे ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय।